नमस्कार कम बोलना कम बोलने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है बहुत से जने कहते हैं कम बोलना चाहिए बहुत से जने के, कहते हैं कम बोलेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे तरह तरह के लोग बातें करते हैं कोई कहता है कम बोलना चाहिए कोई कहता है ज़्यादा बोलना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए कम बोलने के क्या नुकसान है और कम बोलने के क्या फायदे हैं उसका पूरा डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा कम बोलने का मतलब क्या होता है पता है आपको यू का आप कम बोलते हो तो बिल्कुल मुंह पे ताला लगा दिया ऐसे बोलना ही नहीं है कम बोलने के डेफिनेशन डेफिनेशन जो है ना लोगों ने गलत समझ लिया कम बोलने का मतलब बस हर जगह चुप रहना बिल्कुल शाही किस्म का रहना है और बोलना नहीं है और कुछ जवाब नहीं देना है नो no, नेवर कम बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कम बोलने की डेफिनेशन आज मैं बताता हूं आपको कम बोलने का मतलब यह होता है ना जितना बोलना है ना उतना ही बोले जैसे किसी चीज का आंसर वन लाइन का है तो वन लाइन में ही आंसर दे उसके साथ में वन लाइन कोई पूछ रहा है और आप पांच लाइन और ठोक रहे हो ना तो वह कम बोलने का कोई मतलब नहीं है कम शब्दों में कहते हैं ना हिंदी में कहावत है गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में वो सारी चीज डाल देना जो आग अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए इसे बोलते हैं कम बोलना और यह सही डेफिनेशन है कम बोलने की कम बोलने के फायदे आप बताताऊंगा आप कम बोलने से क्या होता है पछतावा नहीं होता है इंसान ज़्यादा बोलता है ज़्यादा ज़्यादा बकर बकर करता है ना तो उसके मुँह से कुछ भी निकल सकता है वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है और जब उल्टा सीधा बोल जाए ना तो फिर क्या होता है फिर पछतावा होता है अरे यार मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया अरे यार मेरा को बहुत रिग्रेट फील होता है तो जब आप कम बोलते हो ना तो कभी भी आपको पछतावा फील नहीं होता है आपको रिग्रेट फील नहीं होता है कि यार मैंने उस इंसान को गलत बोल दिया ऐसा कभी नहीं होता क्यों क्योंकि आप उसको ध्यान से सुनते हो और फिर आप बोलते हो तो आपके मुँह से कभी भी रॉन्ग वर्ड नहीं निकलते समाज में इज्जत बढ़ती है जो कम बोलते हैं ना उनकी समाज में इज्जत बढ़ती है और इज्जत रहती है आप कहीं जा रहे हो समाज में यार दोस्तों में परिवार में या आप वर्क करते हो अपने ऑफिस में अगर आप ज़्यादा बकर बकर करोगे ना तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा आप सटीक बोलोगे थोड़ा बोलोगे लेकिन सटीक बोलोगे ना तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा हर कोई आपको रेस्पेक्ट देगा सर आई आई वरना क्या कहेंगे अरे यार कुछ नहीं यार ये तो फेंकता रहता है बकर बकर करता रहता है एक बात पूछो दस बात बताता है तो ये जो बकर बकर करते हैं ना जो जो ज़्यादा बोलते हैं ना इससे लोगों की कभी इज्जत नहीं होती है कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ती है कम बोलने से ज़्यादा सोचने और ज़्यादा सुनने की ताकत मिलती है आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए एडवर्ड एडवर्डकेट क्या करता है एडवोकेट कोई भी उसके तर्क वितर कर रहा है ना तो सबसे पहले वो सुनता है उसकी बात फिर सोचता है फिर वो तर्क के साथ बोलता है इसलिए अगर आप कम बोलोगे ना तो कम बोले से आप सामने वाले की बात गौर से सुनोगे कि वह क्या कह रहा है और फिर जब आप बोलोगे ना तो आप तर्क के साथ बोलोगे और जो इंसान तर्क के साथ में बोलता है ना उसके सामने कोई नहीं बोल सकता है इसीलिए जब भी कोई बोले तो आप सुनने की क्षमता रखें कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है और आपको जस्ट क्या रिप्लाई देना है इसलिए ये जो कम बोलते हैं ना उनको ज्यादा सोचने और ज्यादा सुनने की शक्ति पैदा होती है शारीरिक शक्ति बचती है आप ज़्यादा बोलोगे ना तो आपके अंदर ऊर्जा खत्म होगी आप जल्दी थक सकते हो ज़्यादा बकर करना अभी कभी आप देखना दस पंद्रह मिनट जल्दी जल्दी बोलना और ज़ोर जोर से बोलना आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है ना आपकी शक्ति है ना कमज़ोर होती कम बोलोगे ना तो आपकी ऊर्जा वो बची हुई रहती है आप अपनी ऊर्जा को दूसरी जगह लगा लगा सकते हो इसीलिए कम बोलने का एक ये भी फायदा है कि आपकी शारीरिक शक्ति बचती है और आपको ज़्यादा सोचने और आपको ज़्यादा तर्क इकट्ठे करने का मौका मिलता है इसीलिए ये कम बोलने का फायदा होता है कम बोलने वाले लोग पता है आपको वह कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं कम बोलने वाले लोग हैं ना वो थोड़ा बोलते हैं सटीक बोलते हैं लेकिन जब थोड़ा ही बोलेंगे ना वो इतना बोलेंगे कि उस थोड़े बोलने को गागर में सागर भर देंगे वो ऐसे नहीं लंबा चौड़ा भाषण देंगे ये कर लो फलना कर लो ढीगड़ा कर लो ये कुछ नहीं वो शॉर्ट स्वीट लाइनें बोलेंगे आपको और उस शॉर्ट स्वीट लाइनों में सारा सार आ जाएगा तो यह कम बोलने की फायदा यह है कि आप बहुत ही कम शब्दों में सारा ज्ञान लोगों को बता सकते हो कम बोलने वाले लोगों को गंभीरता से लिया जाता है जो इंसान कम बोलता है ना उसको हमेशा गंभीरता से लिया जाता है उस उनको पता है कि ये इंसान जब भी बोलेगा ना तर्क के साथ बोलेगा हमेशा सा तर्क वितर्क अच्छी तरह से करेगा क्यों क्योंकि वो सामने वालों को अच्छी तरह से सुनता है और उसके पता है कि जो सुनता है ना तो वो कहता भी अच्छा है उसको पता है कि सामने वाले ने मुझे क्या बोला है और उस रिप्लाई में मुझे क्या जवाब देना है इसीलिए कम बोले वाले कम बोलने वाले लोग हमेशा गंभीर होते हैं और जब भी बोलते हैं ना सटेह बोलते हैं कम बोलने वाले रिश्ते अच्छे निभाते है हैं अगर आप दो जने होंगे दो जने अगर ज्यादा बोलने वाले हो गए ना तो क्या होगा लड़ाई होगी डेफिनेटली होगी कम बोलने वाले लोग होते हैं ना उनके रिश्ते अच्छी तरह से चलते हैं अगर मान लो कोई ज्यादा बोलने वाला ज्यादा बोलता है कम बोलने वाले वो बोलते ही नहीं है वो चुप रहते हैं उनकी फालतू फालतू बातों को अपने ऊपर से निकाल देते हैं लेकिन अगर वो सही बात कहते हैं ना तो बिल्कुल उसको कैचअप कर लेते हैं इसीलिए कम बोलने वाले लोग हैं ना अपने रिश्ते अच्छी तरह से चलाते हैं कम बोलने वाले लोगों का ज्ञान बढ़ता है कम बोलने से एक फ़ायदा ये होता है सामने वाला बोल रहा है बोलने देते उसको तू बोलने दे। जब वो बोलता है उसकी ज्ञान बड़ी चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लेते और एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना तो वो दिमाग से बाहर निकाल देते अगर सामने वाला बोल रहा है और आप भी बोलोगे तो आप क्या सुनोगे अगर मान लो सामने वाला कोई अच्छी बात बता रहा हो और अगर आप तो बोलते ही जाओगे तो आप उसकी अच्छी बात कैसे सुनोगे इसीलिए जो कम बोलते हैं ना उनका ज्ञान बढ़ता है जो कि दूसरे बोलते हैं ना तो उस ज्ञान को वो एकत्र करते हैं अपने दिमाग में कम बोलने के फायदे तो मैंने बताए हैं लेकिन कभी कभी कम बोलना नुकसानदायक भी हो सकता है लेकिन एक बात ध्यान रख कम बोलने की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो जो कम बोलते हैं ना उनको लोग घमंडी समझते हैं बहुत से लोग होते हैं जो समय पर बोलते हैं तार्किक बोलते हैं सटीक बोलते हैं लोग उनको घमंडी समझते हैं अरे कुछ नहीं आ रहे तो बोलता ही नहीं अपने आप को घमंडी समझता है नो नेवर कम बोलने वाले जरूर नहीं घमंडी हो कम बोलने वाले हमेशा समय पर ही बोलते हैं और सटीक ही बोलते हैं लेकिन लोग उनको घमंडी समझते हैं कोई बात नहीं समझ में दो समझे तो समझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेकंड व्यापार में नुकसान हो सकता है हां अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो ना तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहिए आप ज्यादा बोलोगे तो सामने वाला कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा हाँ लेकिन सही और सटीक बोलना चाहिए आप नहीं व्यापार करो नहीं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो ठीक है एक बार तो वो प्रोडक्ट ले लेगा लेकिन दूसरी बार वो प्रोडक्ट लेने नहीं आएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑथेंटिक जानकारी दें जो चीज आपके प्रोडक्ट के अंदर है वही दें तभी आप व्यापार में सफल हो पाओगे कम बोलने वालों का लोगों से संपर्क कम होता है। हाँ ये बात डेफिनेटली है जो लोग कम बोलते हैं ना उनका लोगों से संपर्क थोड़ा कम होता है क्यों क्योंकि वो इतने फ्रेंड नहीं बनाते हैं वो अपने सेलेक्टिव फ्रेंड ही बनाते हैं क्यों क्योंकि वो ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं इसीलिए कम बोलने वाले लोगों का संपर्क कम होता है